हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शनलिस किचन। आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सूजी के हलवे की रेसिपी, वो भी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, ताकि एकदम दानेदार यम्मी हलवा बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर एक नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो सूजी हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है सूजी। मैंने सेम कटोरी ले लिया है, सारे इंग्रेडिएंट्स के माप इसी कटोरी पे करना है। यहाँ पे सूजी लिया है, चीनी लिया है, घी लिया है, सेम कटोरी में सेम माप का, और लिया है बेसन और कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन। पैन में ऐड कर दिया है मैंने घी, थोड़ा सा घी। घी को मेल करने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया है ड्राई फ्रूट्स, काजू और एमंड। इसे हल्का सा फ्राई करना है, फिर इसमें ऐड कर देना है ये किशमिश। किशमिश फूल जाए फिर तुरंत गैस ऑफ कर देना है और ये अलग से कटोरी में निकल लेना है। मैं सारे इंग्रेडिएंट्स का माप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग प्लीज चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये ड्राई फ्रूट्स फ्राई करना हो गया है। अभी उसी पैन में मैं ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा घी। घी को मेल्ट होने देते हैं। तो घी मेल्ट हो जाए फिर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बेसन। बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें एकदम भी लम्स ना रह जाए। तो देखिए, यहाँ पे बेसन मिक्स हो गया है। फिर इसमें ऐड कर रही हूँ मैं सूजी। यहाँ पे एक कटोरी सूजी है, तो सूजी को अच्छे से मिक्स कर लेना है और ऐसे ही चम्मच को लगातार चलाते हुए लो फ्लेम में सूजी को भूनना है, जब तक ना ये सूजी का कलर चेंज होने लगे और इसमें से एक अच्छा सा खुशबू निकलने लगे। तो जब तक ये सूजी भून रहा है, तब तक मैंने दूसरे पैन ओवन में एक पैन चढ़ा दिया है, उसमें ऐड कर दिया है चीनी और जिस कटोरी के माप पे मैंने चीनी ऐड किया है उसका डबल मैंने पानी लिया है। उसमें मैंने ऐड कर दिया है केसर, ये टोटली ऑप्शनल है, और उसमें ऐड किया है मैंने नमक। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, नमक, ये जो सूजी के हलवा है उसमें, और थोड़ा सा मीठापन को एनहेंस करेगा, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा नमक को। इधर सूजी को भी लगातार चलाते रहना है। देखिए, सूजी का कलर चेंज होने लगा है। ये पूरा प्रोसेस मैं मीडियम टू लो फ्लेम में कर रही हूँ। सूजी को लगातार चलाते रहना है। इधर ये चीनी का सिरप भी रेडी हो गया है, उबल आ गया है। अभी मैं ये जो चीनी का सिरप है मैं सूजी में ऐड कर रही हूँ। लगातार चलाते हुए ऐड करना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लेना है सिरप को इसमें, और इसमें ऐड कर देना है फिर ड्राई फ्रूट्स, फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट्स, इसे भी मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसे ढक के मैं कुक करूंगी 5 मिनट तक। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गया है, देखिए पूरा सिरप एब्जॉर्ब हो गया है। और फिर मैंने ऐड किया है इसमें इलायची पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। लास्ट में मैंने ऐड कर दिया है और थोड़ा सा घी, इसे भी मिक्स कर लेना है। मैंने गैस ऑफ कर दिया है। रेडी हो गया है हमारा सूजी का हलवा। देखिए, यम्मी बना है, लग रहा है ना, बहुत ही डिलीशियस। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। आप लोग भी मेरी प्रोसीड्योर फॉलो करके ये हलवा बनाइएगा। आई एम श्योर आप लोगों को भी ऐसे ही यम्मी और दानेदार हलवा बनेगा। मैं ऊपर से और थोड़ा सा घी और ड्राई फ्रूट से ये गार्निश कर रही हूँ।
तो लग रहा है ना, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए।